चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। वो टाइम आ गया है कि आपको संघर्ष और कुर्बानियां देनी पड़ेगी। अमर होने के लिए कोई नहीं आया। ये लड़ाई ये किसान लड़ेगा, मजदूर लड़ेगा, गांव का आदमी लड़ाई लड़ेगा। जब तक ट्रैक्टर और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के आपस में संघर्ष नहीं होगा, ये देश जब देखेगा। आज भी सुन ले, महिला संगठन आपका अगर कमजोर होगा तो आप कमजोर हो जाओगे। सभी का धन्यवाद। सभी माताएं बहने, आज जो महिला पंचायत, भाई चुप होगा सुन लो, शोर शराब बना मचाओ, एक तो घर से लेकर नहीं आए और बात भी नहीं सुनते। शर्म आई हो तो अगली बार जब चलो तो, अगर घर से एक महिलाओं को अपने परिवार से लेकर आओगे तो चार हो रहा आपके साथ गाड़ी में बैठ बैठ। आप घर से ही नहीं लेकर आए तो भाई दूसरी कैसे आएंगे आपके साथ बैठ। तो ये ध्यान रखो आगे कि घर से हमको परिवार से लेकर चलना है। आप दो तीन बार ले आओ, फिर ही अपने आप कर लेगा कि फिर जरूरत ही रहेगी। तो सभी यहाँ पे आए और सीखना हो तो हरियाणा वालों से सीखो। हरियाणा से बहुत आने को तैयार थी, इसलिए ज्यादा नहीं बुलाए। तो यहाँ पर आने का भी आपको डांट भी लगती हरियाणा वाली सारी। तो ध्यान रखें, और महिला संगठन अगर हमारा कमजोर रहेगा, आने वाले टाइम पे सरकारों की बहुत खराब पॉलिसी चल रही है और हमने 50% भागीदारी अपनी जो आंदोलन का हिस्सा था वो हमने घर पे रोक दिया, ब्रेक कर दिया। लड़ाइयां संघर्ष ज्यादा चलेंगे। 24 के बाद में अगर आप तैयारी को नहीं करोगे तो 24 के बाद में पूरे देश पे कब्जा होना है। जो व्यापार कोई कर रहा है वो सब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ठीक है साहब, जो 35 साल पहले बात कहते थे वो बात सत्यता है कि इस आंदोलन को हाड़ी पाड़ी चलाएंगे। इस आंदोलन को कोई और आदमी नहीं चला सकता। कारोबारी आदमी मूवमेंट से हट जाएगा, देश बिकने के कगार पे है। कोई कारोबारी आदमी होगा वो शामिल हो जाएगा सरकारों की पार्टियों में। ये देख रहे ना सब, इस देश को बचाएगा। जैसे आजादी की लड़ाई आपने लड़ी, हमारे पूर्वजों ने लड़ी, तो 90 वर्ष उस लड़ाई को लड़ने मिलेंगे। कोई दुकानदार जो इंडस्ट्रीज वाला था उसको किसी को फांसी नहीं हुई, किसी को भी। हमारे गरीब मजदूर गांव के लोग उन्होंने उस आंदोलन में हिस्सा लिया और वही उस आंदोलन में मारे गए। अभी आपने कुछ नहीं देखा, अभी संघर्ष शुरू होंगे। कैसे संघर्ष शुरू होंगे? अब सरकार जिस तरह से दबाने का काम कर रही है, अगर आप डरते रहे तो पूरी जमीन जायदाद आपकी छिननी जाएगी। क्या आप अपने पड़ोसी के साथ में जब वो जमीन छीनता है, आपकी डोल काटता है, आप लड़ाई नहीं उससे लड़ते? वो टाइम आ गया है कि आपको संघर्ष और कुर्बानियां देनी पड़ेगी। अमर होने के लिए कोई नहीं आया। सरकारों को, अधिकारियों को सख्त है कि भारतीय किसान यूनियन के लोगों का काम ना करा जाए। ये संघ के और बीजेपी के एजेंडे में है। ये सब लोग ध्यान से सुन लो, आप लोगों को बदनाम करा जाए ये उनके एजेंडे में है। और अभी 2 दिन पहले भी उनकी पूरी मीटिंगें हुई हैं और अधिकारियों को सख्त हिदायत है कि भारतीय किसान यूनियन के किसी भी आदमी से ना मिला जाए, ना उनके फोन उठेंगे और ना आप लोगों के काम होंगे। पूरे देश भर में किसान आंदोलन को बदनाम करा जाएगा कि जिससे इन्हीं के लोग इस संगठनों से इनसे बगल हो जाए। ये कोई तफरी की चीज नहीं है। जिन आदमी को डर लगता हो वो संगठन छोड़ के जा सकता है। जिस आदमी को अपनी प्रॉपर्टी से, अपने घर और परिवार का वो दिखता हो, भय दिखता हो, वो आंदोलन को छोड़ के जा सकता है। हमारा एक दिन होगा कि हमारे आदमी छोड़कर चले गए, हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आखिरी दम तक
जब तक टिकट परिवारों की कुर्बानी नहीं जाएगी, हम आखिरी दम तक हम किसानों के साथ रहेंगे। संघर्ष होंगे सड़कों के ऊपर, आने वाले टाइम पे संघर्ष होंगे, आपको कुर्बानियों फसलों की भी देनी पड़ेगी। एक ही बात हमने हरियाणा में कहा कि फसलों की, एक फसल की कुर्बानी देनी पड़ेगी। हरियाणा और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में किसानों ने अपने गेहूं की फसलें बोनी शुरू कर दी। वो टाइम दूर नहीं है, जो संघर्ष हरियाणा के लोगों ने किए, आज भी वहां पे आंदोलन चल रहे हैं। हमको फिर आंदोलन करने पड़ेंगे। सरकारों की नीति है जैसे पॉलिटिकल पार्टियों को तोड़ रही है, ऐसे ही किसान संगठन को तोड़ा जाए। और एक बात और सुन लेना भाई ध्यान से, जो दूसरे सरकारी संगठन बने हैं, कोई आदमी उनके संपर्क में रहेगा, उनसे बातचीत करेगा, किसी के फोन में उनका नंबर मिला, उनसे कॉन्टेक्ट करा, वे बातचीत करना चाहते हैं, एक एक आदमी को तोड़ना चाहते हैं। 5 साल की सरकारों की पॉलिसी है कि इनके आदमी को तोड़ के संपर्क कर का वो संगठन छोड़कर जा सकता है। ऐसे आदमी की गद्दारों की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई, ये किसान लड़ेगा, मजदूर लड़ेगा, गांव का आदमी लड़ाई लड़ेगा। आप कहे हो जाओ, कोई अमर होने के लिए यहाँ पर नहीं आया। बहुत दिन से, करीब 30 साल से, 35 साल पहले यहाँ पे पुलिस के फायरिंग और गोलियां चली। वो काम होंगे जब तक ट्रैक्टर और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के आपस में संघर्ष नहीं होगा। ये देश जब देखेगा, आज भी सुन ले, ये ना किसान हटेगा ना मजदूर हटेगा, या संघर्ष होंगे दोबारा, उस चीज के लिए आप तैयार रहना। आपकी फसल भी जाएगी, आपकी जमीन भी लूटेंगे। भूमि अधिग्रहण एक्ट जो 1894 का एक्ट में बदलाव किया गया था, 2013 में जो एक्ट बना, उस एक्ट को बनवाने में बीजेपी की उतनी भूमिका थी जितनी सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस की थी। सुमित्रा महाजन स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी और एक नया भूमि अधिग्रहण एक्ट बना था 1894 में, को एक्ट को संशोधन करके बना। उस भूमि अधिग्रहण एक्ट में सत्ता में आते ही बदलाव करा गया। आज उसका मॉडल एक्ट बना दिया और आज पूरी पावर टीएमडीसी को दे दी गई, आपकी जमीन को जैसे चाहे वो छीनने का काम करेगा। आपकी जमीन नहीं जाएगी सारी। लखनऊ के अंदर एयरपोर्ट में 1 रुपया भी जमीन का मुआवजा नहीं दिया और पूरे गांव की जमीन फ्री में छीन ली। आप यहां पे सुरक्षित हो, ये यहां पे गन्ने के आंदोलन लोग करते हैं, तो आप ये समझ रहे कि ये आंदोलन यहां पे ठीक चलता रहेगा। आप में अगर हिम्मत है तो गन्ने का 1 रुपया बढ़ा के दिखाओ। आपका पैसा मिल वाला नहीं देता, आप आंदोलन कर लो, वे नहीं देते। 13-13 महीने दिल्ली में आंदोलन करा, सरकार के लोग बातचीत करने को आपको तैयार नहीं है। हमारे पास भी बहुत प्रेशर रहता है, लोग फोन करते हैं, अधिकारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। भारत सरकार ने 22 जनवरी 2021 के बाद में कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई सरकार के लोग बातचीत को करने को तैयार नहीं है। तो संघर्ष आपको करना पड़ेगा। महिला संगठन आपका अगर कमजोर होगा तो आप कमजोर हो जाओगे। आने वाले टाइम पे ये संगठन एक दिन आपके काम आएगा। ये फ्रंट लाइन आपको तैयार करनी पड़ेगी। 1200 कुछ में, आज से करीब 800 साल पहले दुनिया का पहला महिला संगठन इसी क्षेत्र के पास में था। खाप पंचायत के पास में 48,000 महिलाएं लड़ाकू हमारे पास में थी। तो ये कोई कमजोर वो नहीं है क्षेत्र। खाप पंचायत के पास में महिला संगठन मजबूत संगठन था। 48,000 महिलाएं हमारे खाप पंचायत के पास में थी। आज हमको उसी तरह का संगठन मजबूत करना पड़ेगा। अपनी जमीन जायदाद अपने को बचाना है तो आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा। आप लोग तैयार रहें, जागरूक रहें, नहीं तो आपके घर जमीन जायदाद लूटी जाएगी। सरकारों की पॉलिसी है, या तो आप भर्ती हो जाओ, जिसको डर लगता हो वो भर्ती हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो संघर्ष करना पड़ेगा। हम उस भर्ती अभियान का हिस्सा नहीं बनेंगे।
कोई नहीं बोलने को तैयार है। बिजली वाले इश्यू हो, सारे इश्यू हैं। लखनऊ की पंचायत है, पूरे देश भर में स्टेट, हर राज्य की राजधानी में 26 तारीख को प्रोग्राम होंगे। सब लोग, पूरे देश भर के लोग वहां पर जा रहे हैं और देश में फिर एक बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। 10 साल पुराना आपका ट्रैक्टर बंद कर दिया, 10 साल पुराने जनरेटर जो आपके घर में रखे हैं वे बंद कर दिए, जो पंपिंग सेट है 10 साल का वो बंद कर दिया, आपकी गाड़ी बंद कर दी, क्या करोगे? ट्रैक्टर सड़क पर नहीं चल सकता, 10-10 हजार रुपए का जुर्माना है। पूरा हरियाणा हर रोज आंदोलन में है। पुराली, बगैर पुराली के धान कैसा पैदा होता है वो कोई टेक्नोलॉजी नहीं बताई। लेकिन अपने संगठन पर ध्यान दो, डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप डर जाओगे सरकार उसी दिन वंका वहीं पीस देगी आपको। अपने वजूद को बचाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उसका मुकाबला करना पड़ेगा। वो एक रास्ता बचा है, देश की जब आजादी हुई तो 90 वर्ष आंदोलन चले, अभी तो ये आंदोलन शुरुआत हुई है इनकी, ये कितने दिन चलेंगे ये नहीं पता। विपक्ष के जो सत्तारूढ़ पार्टी के लोग थे उन्होंने बोलना बंद कर दिया, और जब जब इस देश में विपक्ष कमजोर होता है, जब पार्लियामेंट में उनकी आवाज कमजोर होती है तो तानाशाहों का जन्म होता है। इस देश में तानाशाहों ने जन्म ले लिया, उनका मुकाबला करना पड़ेगा। तानाशाहों का जन्म हो चुका है यहां पे, और उसका मुकाबला विचारधारा से होगा। देश की जनता उसका मुकाबला करेगी, और जब भी तानाशाह अत्याचार करता है तो ये जनता ही उसका मुकाबला करेगी। और आपको चेहरा देखना हो, सरकार आपके सामने नहीं आएगी, सरकार का चेहरा देखना हो तो अधिकारी का क्या रवैया है। अधिकारी के चेहरे में सरकार का चेहरा दिखाई देता है। अगर अधिकारी आपके साथ में ठीक व्यवहार से बात कर रहा, आपका काम कर रहा, तो सरकार ठीक है, आपके पक्ष में है। अगर अधिकारी आपका काम नहीं कर रहा तो ये मान लेना कि सरकार ने उसको कह रखा है वो काम आपका नहीं करेगा। जिला पंचायत में क्या हाल है? आप मुकदमे में क्या हाल है? लोग जेलों में बंद है। यहां पे भी आज भी हमारे जो युवा के अध्यक्ष है वो जेल में बंद है, उनका परिवार यहां पर बैठा हुआ है। एक बड़ा आंदोलन मुजफ्फरनगर के लोगों ने किया और बड़ी ताकत के साथ में किया। इस तरह के आंदोलन की जरूरत फिर पड़ेगी। अब ये कोर्ट से करवाना चाहते हैं सब कुछ, जितने भी कोर्ट में जा रहे हैं फैसले वो सब किसानों के खिलाफ जा रहे हैं। ये कुछ नहीं करते, मुकदमे लिखेंगे, कोर्ट में भेजते हैं, कोर्ट में तारीख लगते रहो, कोई चीज होगी तो कोर्ट की अवहेलना करिए। तो जिसको जाना हो वो संगठन छोड़कर जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहां पे एक बढ़िया प्रोग्राम यहां पे करा, और सोरम गांव से और आसपास के गांव से, हरियाणा से जो सभी महिलाएं यहां पर आई उन सबका धन्यवाद है। एक बढ़िया प्रोग्राम चले, आने वाले टाइम पे आपको गांव गांव में ये मीटिंगें करनी पड़ेंगी। आप जब ही निकाल लोगे घर से महिलाओं को, जब आप जेल में चले जाओगे, कपिल साहब की घरवाल से घर से कोई महिलाएं कभी आंदोलन में नहीं गई, लेकिन जब वो जेल में गया आप लोगों ने कुछ नहीं करा, इनकी महिलाएं, माताएं, बहने क्या SSP के सामने वहां पे 20-20 महिलाएं इकट्ठी होकर गई, आपको शर्म नहीं आती? यही हालात सबके सामने होंगे। जो मजबूत लोग होंगे वे जेलों में बंद होंगे, और फिर आप इन्हीं महिलाओं का सहारा लेते फिरोगे, फिर आपके साथ में कोई खड़ा होने वाला नहीं होगा। वे भी नहीं जाती थी, अपने घर से निकल गए लेकिन गई। आप ये चाहते हो कि एप्लीकेशन लगाकर वे कोर्ट और कचहरियों में हमारे घर की महिलाएं लड़े, जैसे हम सम्मान से पिछले 35 साल से जिए, ऐसे ही हम सम्मान से जिएंगे और सम्मान से ही मरना चाहेंगे। तो आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान यूनियन। शेरों